हाय गाइस, आज मैंने जो है OMG 2 मतलब ओ माय गॉड जो है अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार की मूवी देख ली है। और दोस्तों मैंने आप लोग को दोनों दो दो जो है पब्लिक रिव्यू डाला। वो थोड़ा जो है मैं इसलिए देख करके निकल गया और रिव्यू इसलिए नहीं दे पाया, आप लोग को लेट हुआ क्योंकि आप लोग को मालूम है कि ऑटो चलाता हूँ और कुछ भाड़े फिक्स रहते हैं, उन्हें टाइम पर छोड़ना पड़ता, तो दोस्तों लेट हुआ उसके लिए सॉरी। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ओ माय गॉड 2। दोस्तों अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार की मूवी, दोस्तों इसे जो है सेंसर बोर्ड ने ए रेटिंग क्यों दिया है उसके बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे। दोस्तों ये मूवी सबको पसंद आ रही है और ए रेटिंग तो दिया गया है, लेकिन ये उस तरह से बनाया गया इसलिए इसे ए रेटिंग दिया। दोस्तों चलिए मैं बात करता हूँ, पंकज त्रिपाठी एक पंडित रहते हैं और इनका लड़का जो है रहता है वो पढ़ाई करता है, और पढ़ाई करने के टाइम पर जो है आजकल के जो है ना, जब देखो कोई लेट होता है बाथरूम को बैठ जाता है, बोलता है अरे वो कमीने को बाबा सिर हो गया, इसके लिए इतना टाइम लगता है। और कोई कोई क्या ऐसे ऐसे बोल देता मजाक में, अरे क्या कर रहा है यार, चल जल्दी निकल बाहर, 61-62 कर रहा है क्या, ऐसा बोलते हैं ना। तो दोस्तों ये जो है एक बात है, लॉजिक ये सब बातें जो है होते रहती हैं और देखने को मिलता है। और आजकल के लड़के जो है बहुत फास्ट हैं और ये सब चीज़ जो है उन्हें मतलब है क्या गलत है क्या सही है उन्हें बताना चाहिए, जानकारी देना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग गलत रास्ते पर ना जाए, क्योंकि अलग अलग तरह तरह का बीमारियां फैली हुई है सबको मालूम है। लेकिन देखा जाए तो ये मूवी जो है उस तरह का नहीं बनाया गया है जैसे बॉम्बे बॉयज आया था और बहुत सी मूवी आई थी जिसमें गलत तरीके से ओपन ऐसा कुछ दिखाया था, लेकिन इसके अंदर कुछ ओपन ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि पूरी फैमिली ना देख सके, पूरी फैमिली बैठ के देख सकती है। और मूवी में एक मार्गदर्शन दिया गया है कि माता पिता को और बच्चे लोग को देखना चाहिए, मतलब बच्चे लोग के साथ में बैठ करके, तो ये है कि बच्चे को मार्गदर्शन मिलेगा और माँ बाप लोग को जो है मतलब है उन्हें बताने के लिए शर्म आता है, लेकिन बच्चे लोग को अगर ये सब मालूम हो जाएगा तो गलत हरकतें नहीं करेंगे, ऐसी मतलब गलत राह पे नहीं जाएंगे। दोस्तों आपको एक ही मैं बात बता दूं, इसके अंदर जो है लड़का जो है मतलब बाथरूम में रहता है और वही जो है मैंने आपको बताया ना, एक जो है गंदी फ़ोटो ये सब देख करके वो जो है लड़का जैसे बोला ना ये लेट हो गया क्या बाथरूम में, 61-62 कर रहा है, तो ऐसी कुछ गलतियाँ करते हैं और उसको लेकर के पंकज त्रिपाठी का नाम खराब होता है कि इसका लड़का जो है मतलब एक उसका दोस्त रहता है फ़ोटो खींच करके पूरा जो है मतलब है वीडियो बना के वायरल कर देता है। तो इसके ऊपर थोड़ी कहानी है, फिर इसके बाद जो है मतलब बहुत से ऐसी उसके अंदर फिर शिव जी आते हैं, मतलब हमारे अक्षय कुमार ने बोलते हैं कि अगर लड़का गलत किया है तो आप उनके दोस्त बन के बात कीजिए और ऐसी घटना ना होने दीजिए कि बच्चा जो है आत्महत्या कर रहे। तो दोस्तों बहुत अच्छी कहानी है और आपको देखना चाहिए। कोर्ट में भी अक्षय कुमार खिलाड़ी कुमार बोलते हैं कोर्ट में जाना चाहिए आपको और इसके बारे में बताना चाहिए कि बच्चे लोग किस तरह से गुमराह होते हैं और उन्हें बचाना चाहिए। तो दोस्तों बहुत अच्छी स्टोरी लिखी गई है, मैं इतना तो नहीं बोलूँगा कि ये मूवी बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है बार बार देखनी चाहिए, लेकिन फैमिली ऑडियंस को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। और ये भी नहीं मैं बोल सकता कि ये मूवी हिट या ब्लॉकबस्टर होगी, दोस्तों मैं यही बोल सकता हूँ कि पब्लिक जो भी निकलेगी देख करके उसे जो है ख़राब नहीं बोलेगी, अच्छी ही बोलेगी, और हर एक फैमिली के लिए ये मूवी बनाई गई है और ए रेटिंग इसीलिए सेंसर बोर्ड ने दिया गया है क्योंकि कुछ अलग तरीके से इसका स्टोरी लिखा गया है। तो दोस्तों मैंने ये मूवी देखी, मुझे अच्छी लगी और ये मूवी जहाँ तक हो सके ये एवरेज रहने वाली है और मैं इसे इस मूवी को देता हूँ पूरे के पूरे 3 स्टार। बस दोस्तों इतना ही, ऑटो वाले अंकल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।